अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो अभी आप इस शख्स को जो देख रहे हैं, ये आम आदमी के बैसा प्रखंड के प्रवक्ता है और नाम है जमील अख्तर, चंदेल पंचायत से बिलोंग करते हैं। चलिए जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन खुद अपना ही देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी फरमाइए। तो आपका नाम क्या हुआ? अपने चंदेल जिलापुर में। तो अभी आप हर पंचायत में जा जा करके ये जो लोगों को नदी कटान के जो नदी से घर विलीन हो गए हैं, सबको घर दे रहे हैं, किसके द्वारा दे रहे हैं, कितने घर दे रहे हैं, क्या क्या लोगों को क्या मदद कर रहे हैं, बताइए आप। एक्चुअली सबसे पहले आज आप देखिए कि पिछले 70 साल से यहाँ पर बिहार से लेके सीमांचल से लेके पूरे भारत में जितने भी पार्टी आ चुके हैं, तरह तरह की बहाना दिखा करके लोगों को वोट तो ले लिए हैं, लेकिन जो बेचारा वोट देने के बाद ना तो उससे पूछ सकते हैं कुछ, ना सवाल कर सकते हैं, ना वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक, वोट मेरा और ऐसो इशरत वो बेचारा खुद कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पिछले 10 साल से हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली से आके सीमांचल में जो काम कर रहे हैं, जगह जगह राशन वितरण, जगह जगह घर, गरीबों की लड़की का पैसा के वजह से शादी नहीं हो पा रहा शादी, उसके बाद जगह जगह कटाव में जाके डाइवेशन, हाबी झाबी ये सब जो कर रहे हैं, तो वो हालांकि अब तक इजहार नहीं किए हैं कि हम वोट के लिए कर रहे हैं या कुर्सी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब जो कोशिश चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे अमूर विधानसभा से प्रखंड अमूर से अबू कायद साहब के द्वारा केजरीवाल साहब जो ये सामान वितरण कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, हालांकि अगर देखा जाए, मेरा राय यह है, अमोर विधानसभा में खास करके अभी पिछले कुछ 30 सालों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक अब्दुल जलील मस्तान जी थे, तो अभी हाल ही में 2020 विधानसभा में AIMM के अख्तर ईमान जी विधायक हैं। हालांकि देखा जाए तो उसके तरफ से अभी यहाँ के लोगों को जो वादा दिला करके उनका वोट लेने का काम किया था, अभी उनको अभी उनके तरफ से कोई लाभ नहीं मिली है। तो जैसे कि आपका कहना है कि आम आदमी के पार्टी के तरफ से, तो आप पूरे अमोर विधानसभा में या बैसा प्रखंड के अंतर्गत कुछ पंचायतों में ही ऐसे घर मुहैया करा रहे या राशन, बताइए। पूरा सीमांचल में, पूरे सीमांचल में ये काम अभी चल रहे हैं। आप कोई भी गाँव में जाके घुस जाइए सीमांचल के, ये घर मिलेगा आपको, राशन जगह जगह मिलेगा। आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए, फेसबुक में देख लीजिए, उसके बावजूद लोगों से पूछ लीजिए कि MIM पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, भाजपा, आज तक जो नहीं किया ये पार्टी आके, आम आदमी पार्टी आके कर रहे हैं, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। ये घर बनाने में कम से कम 16 से 20 हजार तो पड़ता ही खर्च, और ये गांव में अभी हम मौजूद मंझोक पंचायत मंगलपुर गाँव में है। इस तकती हुई धूप में हम लोग 5-7 आदमी आके खड़ा हैं, घर बनवा करके इसका फोटो ले रहे हैं। हम लोगों को घर वाला एक गिलास पानी भी पिलाया है क्या? नहीं, फ्री में आके हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो आम आदमी को चाहिए, अवाम को चाहिए कि हमारे जमीनी स्तर से जो नेता काम कर रहे हैं, उनके लिए हम भी काम करें कि हमारा बिहार सीमांचल जो दिल्ली में हो रहा है सेम टू कॉपी काम हमारे सीमांचल बिहार में हो रहे हैं। आप गुजरात का मुख्यमंत्री एक बार डिबेट के लिए बैठा था केजरीवाल से, प्रधानमंत्री ने पूछा था कि टैक्स का पैसा लेके आप क्या किए, तो हमारे केजरीवाल बोला आम आदमी पार्टी कि हमने महिलाओं के लिए बस का उपलब्ध कराए हैं, और गुजरात मुख्यमंत्री उसने बोला कि हम अपना टैक्स का पैसे से अपना यात्रा करने के लिए क्या करें कि वो हेलीकॉप्टर खरीदे। तो जो बंदा मेरे लिए खुद सोचे, दिन और रात सोचे, 24 घंटा सोचे, तो हमें उसके लिए सोचना क्या आपत्ति है? कहने की आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी जैसी दिल्ली में उनकी सरकार, वो अपने काम दिखा रहे हैं, तो क्या ठीक उसी तरह आप बिहार में काम कर पाएंगे, खड़े उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह से उम्मीद है, ऊपर वाले से उम्मीद है, और कोशिश आप खुद देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हम लोगों को लेके क्या कर सकता है। यहाँ यही 5 विधायक जो सीमांचल में आज MIM के 5 विधायक है, अगर प्रेजेंट में भी 5 विधायक सीमांचल में रहते हैं, जगह जगह कटान हो रहा है कि क्या? अगर विधायक को इन्फॉर्म हो रहा है, क्या करें? हमको लिख के दो। लिखने से क्या होता भाई? अरे, एक विधायक के पास तो कोई ना कोई फंड होता है ना, कुछ तो कीजिएगा ना के। वो सब नहीं करने के कारण लिख के दो। क्या लिख के दूं, कब तक लिख के दूं? जिंदगी खत्म हो गया भाई, 70 साल की बूढ़ा का घर कट रहा है, और आपसे कोई उम्मीद नहीं।
तो ये आम आदमी कर रहे हैं, इसलिए जमीनी स्तर से काम करने वाला नेता को चुनना बहुत बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। आप लोग इसको देखिए, बहुत गौर से देखिए और सोचिए, बहुत गौर से देखिए और सोचिए। अगर प्रेजेंट विधायक के पास आप जाइएगा अभी इस हालात में, तो हाईएस्ट आपको अगर देगा तो 1000 रुपया चंदा देगा वो, कि पूरा पूरा गांव वाले मिलके बिस्किट खा लेना, बिस्किट बिस्किट खा लीजिएगा खरीद के। एक बिस्किट से क्या भूख मिटने वाला है? ये घर कम से कम 5 साल जाएगा, कम से कम 5 साल जाएगा। और आने वाला जो साल आ रहे हैं 2022 में, अगर ऊपर वाला ने चाहा, वो अगर पार्टी सलामत रहा, तो इसको फिर पक्की, इसको पक्की निर्माण किया जाएगा, 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अगर घर में जवान बेटी है उसके शादी के लिए खर्च दिया जाएगा। तो ये सब काम जब आम आदमी कर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए, चाहे युवा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जैफ मेरी माँ हो, बहन हो, सबको सोचना चाहिए। जो मेरे लिए सोचे हम उसके लिए सोचे। कहने की ये जमील अख्तर है, बैसा प्रखंड के प्रवक्ता, बहुत ही अपनी बेबाकी से अपने बात को रख रहे थे। इनका कहने का, हालांकि इनके पूरे बिहार में अभी एक भी विधायक नहीं है, लेकिन हर मतलब मसीहा बनकर के लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं। तो ये थे जमील अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू।